को लग रहा है कलकत्ता के लोगों को कि भाई इसके कारण बहुत सुविधा होगी। आज आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली जितने रिव्यूज मैंने देखे हैं उसके अंदर इस चीज को एक हाईली अप्रिशिएबल थिंग कहा गया है। कोलकाता के अंदर जो ये अंडर वाटर ट्रेन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, आई थिंक इंडिया की जो रेलवे की सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईली जो है वो कमेंडेबल है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात की जाए इंडियन रेलवेज की, तो उन्होंने बहुत सारी इनोवेशन का काम जो है वो हमेशा से हमें करके दिखाया। जनरल बात की है कि अगर हम एज अ पाकिस्तानी नेशनल्स बात करें तो पाकिस्तान में कोई भी उसे लाइक नहीं करेगा। सर क्या ये जरूरी है हमें पाकिस्तानी होने के लिए भारत से नफरत और प्राइम मिनिस्टर मोदी से नफरत ही करनी पड़ेगी अपनी पेट्रियोटिज्म को साबित करने के लिए? ये तो जापान लग रहा है। जापान नहीं है। चाइना नहीं, मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क यूएसए। सुपर पावर मुल्क यूएसए नहीं, यूएसए भी नहीं। इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली इस प्रकार की ट्रेन चली है। आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं। इंडिया देख लें किधर चला गया। आप अंडर वाटर की ट्रेन की बात करें, अभी कुछ अरब डॉलर की, 60 अरब डॉलर की, इससे ज़्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आप जिस तरीके से आप वीडियो क्लिप में देख पा रहे हैं कि मोदी जी अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कर रहे हैं, जो कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, जो कि हुगली नदी के नीचे कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग से होकर गुजरेगी, जिसमें एक अंडर वाटर में ही मतलब पानी के नीचे ही एक स्टेशन भी दिया गया है, जिसमें कि बच्चों से बात कर रहे हैं कि आप पहले यात्री हैं जिन्होंने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो में जो है सफ़र किया है। इस तरीके की बात मोदी जी कर रहे हैं, जो कि आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा। और मोदी जी ने खुद इस मेट्रो का शुभारंभ किया और इसमें सबसे पहले सफर भी किया, और देश के जो युवा हैं उन बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन किए कि आने वाले 25 से 26 साल में मतलब हम देश को पूरा विकसित बना देंगे और हमें विकसित बनाने के लिए क्या करना होगा। बच्चों की ओपिनियन जानी और उसी को देख रहे हैं आप क्लिप के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का क्या है, पाकिस्तानी मीडिया अगर भारत कुछ भी करेगा या फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होगा तो सरासर जिम्मेदार भारत होता है। पाकिस्तानी मीडिया फिलहाल जला भुना बैठा है। पाकिस्तानी मीडिया की क्या रिएक्शन है इस अंडर वाटर मेट्रो में, उनके लोग क्या कहते हैं, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। मोदी ने जो है वो इफ्तिताह कर दिया है अंडर वाटर मेट्रो लाइन का कोलकाता के अंदर, बहैसियत पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए बहैसियत पाकिस्तानी उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और तरक्की की राह पे गामजन है, और बहैसियत पाकिस्तानी हमें जो है हमारी हुकूमतों पे शर्मिंदगी का इजहार भी करना चाहिए कि वो अब तक माजी की मुश्किलात में और माजी की सियासतों में पड़े हुए हैं और इस तरह के इनिशिएटिव देने की ना सोच भी नहीं रहे। सर क्या लग रहा है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, रेलवे सिस्टम के हवाले से बात करूं, जिस तरीके से भारत के अंदर जो है वो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है वो उन्होंने चला दी है, उसके अलावा बुलेट ट्रेन का भी जो है वो प्रोजेक्ट जापान वहां पे कर रहा है, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम के ऊपर कितना काम हो रहा है? देखिए पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम तो ऐसा डेवलप हो ही नहीं सका अभी तक, वो बरतानवी दौर की वो ट्रेनें, वही सारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। कोई मॉडर्नाइजेशन की तरफ ना किसी ने ध्यान दिया, ना उस पर कोई अमल करने की कोशिश की है। ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि आप देखें जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उसके लिहाज से आप यहाँ पर सिस्टम डिवाइस करें, जब मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात मिलेंगी तो लोग उससे
महसूस भी होंगे, उस पर ट्रैवल भी करेंगे, और ट्रैवल करेंगे तो इन द एंड इसका फ़ायदा तो गवर्नमेंट को ही होगा, इकोनॉमी में बेहतरी होगी। सर कहा ये जा रहा है कि जो ये मेट्रो लाइन का जो है इफ्तिताह किया है अंडर वाटर, ये डीप मतलब जो है वो पानी के अंदर मतलब बनाई गई है, और इंजीनियर्स ने भी जो जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है, बहुत से स्कॉलर्स कह रहे हैं कि कमाल करके रख दिया उन्होंने। देखिए ये एक मार्वल है, आप पानी के अंदर जो है वो रेलवेज चला रहे हैं, सिस्टम मॉडर्नाइजेशन है बेसिकली। पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी ये सब कुछ कर सकते हैं, मसला ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो यहाँ पे भी काम हो सकता है। सर आपको नहीं लगता फंड्स का कहीं ना कहीं इशू है कि हम अभी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, हमारी अभी और चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही? देखिए बात यह है कि जो ज़रूरियात का मसला है ना, वो ज़रूरियात जब इनके ये मिल बैठ के इस बात पे कंसेंसस करेंगे ना कि हमने जो है मुल्क को तरक्की की राह की तरफ लेके चलना है, तो भी जो बुनियादी मसाइल हैं ये भी हल होंगे, उसके अलावा जो बाकी मसाइल ना मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी मुल्क खुद ही चल पड़ेगा। मसले है कि इन सबको मिल बैठ के पाकिस्तान का सिंसियर होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनवारुल हक। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं सर, बेसिकली आज की न्यूज़ ये है कि कोलकाता में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सर इफ्तिताह कर दिया अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का। एज अ पाकिस्तानी सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वो भारत के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम पे कितना काम जो इनका जो इंजीनियरिंग का ये जो सेटअप था और इंडिया ने सारा का सारा खुद डेवलप किया, तो अब इस वक्त आप देख लेना तो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए। तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है, तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। दूसरा आपने ये बात की नरेंद्र मोदी का ये प्रोजेक्ट है, और आने वाले दिनों में और जहाँ तक मुझे अब जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया की देख रहा हूँ कि हैट्रिक करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का, और इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अब तो क्योंकि ये उनका इलेक्शन ईयर्स है, उसके बाद इन्होंने यूएई के साथ यही प्रोजेक्ट किया हुआ है कि अंडर वाटर ट्रेन जो है उसका प्रोजेक्ट उनका बिल्कुल ऑलरेडी, मेरे ख्याल में जयशंकर को अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर लिया, और वो भी उन्होंने अंडर वाटर ही जो है उसको रन करना है। हाँ। तो ये नो डाउट कि इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट के बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी की, तो ये उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट देगा ये प्रोजेक्ट जो है। अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान और इंडिया का फ़र्क मैं आपको इस तरह बता दूं कि वो चांद पे चले गए, उन्होंने लंदन जैसा मॉडल अपने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, और हम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एक दूसरे की दाढ़ियाँ खींचते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं कि तुम चोर और मैं चोर। फर्स्ट ऑफ ऑल शायला थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो, और एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, तो वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन आई थिंक जिस पे के बात होनी चाहिए, हमेशा से ऐसे प्रोग्रेसिव व्लॉग्स होने चाहिए और इस तरह की बातें होनी चाहिए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस का पहलू उजागर किया जा सके। तो आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। नो डाउट सबसे पहले तरक्की करने के लिए तीन चीज़ें मेरे नज़दीक बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए कोई भी मुल्क हो। नंबर वन इज़ मेरिटोक्रेसी, मेरिट, ठीक है ना। जब तक आप मेरिट को प्रमोट नहीं करेंगे मुल्क में, हर एक डिपार्टमेंट में उन लोगों को सामने नहीं लाएंगे जो कि मेरिट पे उभर के ऊपर आते हैं, जब तक उनको आप प्रमोट नहीं करेंगे आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं ना, हर चलते फिरते बंदे को आप किसी भी डिपार्टमेंट में उठा के लगा देंगे तो आपका कंट्री नहीं चल पाएगा, ठीक है। नंबर वन इज़ मेरिट, मेरिट को हमेशा तरजीह देनी चाहिए। नंबर टू इज़ प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म मीन के देखें किसी भी नस्ल, किसी भी रंग, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ चाहे किसी भी पर्सन का हो, अगर ही इज़ ऑन मेरिट, ठीक है ना, ही शुड बी गिवन ए चांस, ठीक है, उसे मौका देना चाहिए और उसको जो भी पोस्ट है उसको देनी चाहिए। लेकिन अगर हम पड़ोसियों की बात करें सर, सूरज की तरह चमक रहे हैं, फौलाद की तरह पावर दिखा रहे हैं,
और तरक्की में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है सवाए इंडिया के जो 8.4% की रेशो से आगे बढ़ रहा। जी मैं पहले अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ। नंबर थर्ड इज ऑनेस्टी। यही तो बेसिक वजह है। देखें उन्होंने अगर वो तरक्की कर रहा है तो क्या मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया, क्या चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट किया। ऑब्वियसली वो मैरिट को तरजीह दे रहे होंगे, ठीक है ना, वो लोग सामने आ रहे होंगे जो हकीकी मानों में काबिल भी हैं और अहल भी हैं, उन लोगों को सामने लाया जा रहा होगा लिहाजा वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। नंबर टू उन्होंने ज़ाहरी बात है कि बिला रंग व नस्ल के लोगों को प्रमोट किया। आप देखें बहुत सारे मुस्लिम्स वहाँ पे ऐसे हैं जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे मौजूद हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो इस चीज़ को मद्दनज़र रखते हुए कि हिंदू मुस्लिम या इस चीज़ में पड़ जाएँ तो यकीनन वो जो काबिल एंड प्रोग्रेसिव लोग हैं वो सामने नहीं आ पाएंगे। वो इस चीज़ को नहीं देख रहे, प्रमोट कर रहे हैं वो ऐसे काबिल लोगों को। एंड नंबर तीन ऑनेस्टी। भाई ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बंदा हो साथ, अगर इन दोनों चीज़ों के साथ उन्हें मिलाया जाए तो वो ये वो मॉडल है जो अडॉप्ट करें जिसकी वजह से वो प्रोग्रेसिव हैं और दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। मैंने खुद भी ये ज़ाती तौर पे महसूस किया है कि वहाँ पे उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जो कि